हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्थ ईस्ट एफसी के कुछ अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो और अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड ट्रांसफर अपडेट वगैरह जानने के लिए मिलते ही रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी के प्लेयर साइनिंग के बारे में। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अभी तक कोई भी फॉरेनर खिलाड़ी या फिर इंडियन खिलाड़ी को साइन नहीं किया है। मतलब बस इद्रिस हाजी को साइन किया है, लेकिन उसका भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो अभी के टाइम में नॉर्थ ईस्ट एफसी से रिलेटेड एक गुड न्यूज़ आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो है गाइस इसी वीक में कुछ खिलाड़ी को साइन करने वाला है। तो अब लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, मार्कस मार्कलाओ सर ने ट्वीट करके ये बताया कि नॉर्थ ईस्ट एफसी जो है इसी वीक में कुछ खिलाड़ी को साइन करेंगे। तो देखते हैं कैसे कैसे खिलाड़ी को साइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी, अयूब के अच्छे अच्छे खिलाड़ी को साइन करे। तो इस बात में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी वीक में बहुत अच्छे अच्छे ट्रांसफर अपडेट की वीडियो देखने के लिए मिलेगा और बहुत अच्छे अच्छे साइनिंग का भी वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी नेक्स्ट अपडेट की ओर चलता है। तो उसके बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के ही एक खिलाड़ी अल्फ्रेड के बारे में। तो गाइस, ये खिलाड़ी जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट के जूनियर टीम में खेलता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जूनियर टीम में। मतलब बेस्ट खिलाड़ी है ये, नॉर्थ ईस्ट के जूनियर टीम का किंग कहा जाता है इनको। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के जूनियर टीम में। तो आज जो है गाइस अल्फ्रेड का बर्थडे है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। तो अगर आपको बर्थडे विश करना है तो हमारा कॉमेंट सेक्शन एकदम खाली है, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में बर्थडे विश कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट एडमिट की ओर चलते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं सभी के फेवरेट खिलाड़ी, मेरे भी फेवरेट खिलाड़ी रोमेन फिलिबर्टुक्स के बारे में। तो अभी के टाइम में जो है गाइस रोमेन फिलिबर्टुक्स एक अच्छा खिलाड़ी है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है। तो रोमेन फिलिबर्टुक्स के बारे में मैंने आपको पहले अपडेट दे दिया था कि मतलब रोमेन फिलिबर्टुक्स जो है गाइस नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे आखिर क्यों वो नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू करेंगे, तो आखिर क्यों उनको नॉर्थ ईस्ट एफसी ने गए नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू करने के लिए रखा है नॉर्थ ईस्ट एफसी में। इन्होंने देखा इस पिछले सीजन 18 मैचेस में 2 गोल और 2 असिस्ट मारा बस। तो पिछले सीजन इन्होंने बस 2 ही गोल्स मारे थे, लेकिन फिर भी ये फैंस के दिलों में अपना जगह बना लिया। तो आखिर क्यों फैन इनको पसंद करने लगे, नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट जो इनको पसंद करने लगे आखिर क्यों, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं इनके परफॉर्मेंस के बारे में। तो इन्होंने जो गाइस पिछले सीजन 18 मैच खेला उसमें से 2 गोल और 2 असिस्ट मारा, तो उतना खास किया नहीं, मतलब उतना खास गोल दागा नहीं, लेकिन फिर भी फैन इनको पसंद करते हैं। और पहले इनका हम प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो रोमेन फिलिबर्टुक्स जो है गाइस फ्रांस से बिलोंग करते हैं और इनके एज के बारे में बात करें तो ये 35 ईयर्स के एक यंग खिलाड़ी है। और इनके पोजीशन के बारे में बात किया जाए तो गाइस ये मिडफील्डर के पोजीशन में खेलता है रोमेन फिलिबर्टुक्स। तो अभी नेक्स्ट सीजन भी ये नॉर्थ ईस्ट एफसी में अपना परफॉर्मेंस करेंगे। और इनके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात किया जाए तो 31 मई 2026 तक का इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट एफसी में है। तो अब बात करेंगे आखिर क्यों रोमेन फिलिबर्टुक्स फैंस के दिलों में छा गया है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट के पहले मैच के बारे में, जो कि मतलब बेंगलुरु एफसी के साथ था। तो उस मैच में गाइस रोमेन फिलिबर्टुक्स ने बहुत अच्छा अटैक किया, मतलब जितना भी अटैक हुआ उन्होंने ही अटैक किया। तो अगर उस मैच को ड्रॉ कर देते नॉर्थ ईस्ट एफसी, मतलब ड्रॉ तो हो गया था लेकिन रेफरी की वजह से नहीं हुआ, तो अगर वो ड्रॉ हो जाता तो हीरो ऑफ द मैच जो है गाइस रोमेन को ही मिलता, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा अटैक किया। अगर पूरे मैच के बारे में बात की जाए तो रोमेन फिलिबर्टुक्स ने ही अच्छा खेला, मतलब बाकी सारे प्लेयर ने भी अच्छा खेला लेकिन रोमेन फिलिबर्टुक्स ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेला था उस मैच में। तो फर्स्ट मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए जो है गाइस लोग उनका फैन हो गए रोमेन फिलिबर्टुक्स का। तो फिर वो उसके बाद के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे अटैक्स बनाया। तो उसके बाद चेन्नई एफसी के मैच में उनको फर्स्ट गोल मिला, उसके बाद फिर बेंगलुरु के साथ एक मैच था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा गोल मारा था, मतलब शॉट लेके बहुत अच्छा शॉट लेके गोल मारा था रोमेन फिलिबर्टुक्स। तो पिछले सीजन भले ही इन्होंने कम गोल्स किया लेकिन बहुत अच्छे अच्छे अटैक बनाया, बहुत सारे अटैक्स बनाया था रोमेन फिलिबर्टुक्स। तो नेक्स्ट सीजन ये और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, मतलब इससे डबल अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और फेडरिको गैलोगो का जगह लेंगे मुझे लगता है। लेकिन मतलब फेडरिको गैलोगो का जगह तो मतलब कोई नहीं ले सकता मुझे पता है, लेकिन शायद मतलब थोड़ा बहुत ले। तो नेक्स्ट सीजन ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और नॉर्थ ईस्ट एफसी इसी वीक में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी को साइन करेंगे, तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो यार इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, अभी तक बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, प्लीज़ कर दो ना। और शायद इसी वीक में इद्रिस हाजी को जो है ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देगा नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे खिलाड़ी को साइन करते हैं नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट, अयूब के अच्छे अच्छे खिलाड़ी को साइन करें, अच्छे अच्छे मतलब फॉरेनर खिलाड़ी को साइन करें और अच्छे अच्छे इंडियन खिलाड़ी को भी साइन करें। तो अभी तो कोई अच्छे इंडियन खिलाड़ी विदाउट क्लब नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एफसी बहुत अच्छे अच्छे आई लीग के खिलाड़ी को साइन करने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर नॉर्थ ईस्ट एफसी इसी वीक में कुछ अच्छे अच्छे खिलाड़ी को साइन करे, मतलब कुछ साइनिंग या फिर रूमर्स वगैरह आए, तो आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए मिलेगा।
तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग ऐसे ही मजेदार न्यूज़ वगैरह सब मिस ना कर पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।